गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, मैं अभी हूँ फुलबारी में और ये कैनाल है फुलबारी का, ये देखिए। और सो गाइस, अभी मैं जलपाईगुड़ी में हूँ और मैं बाएं तरफ बोर्ड लगा हुआ है, देखिए जलपाईगुड़ी का राइट साइड जलपाईगुड़ी सर में है। गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ धूपगढ़ी, ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है। कुचबिहार में एंटर ले चुका हूँ, अभी मैं जाऊँगा राजबाड़ी। तो यहाँ से कुछ दूर में है राजबाड़ी, तो वहाँ चलते हैं। फिर आज राजबाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। तो गाइस, मैं राजबाड़ी पहुँच चुका हूँ, ये देखिए सामने मेरे। तो गाइस, यहाँ पे पार्किंग है, तो अपना बाइक या फोर व्हीलर जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह पार्किंग बना हुआ है। गाइस, ये है मेन रोड और यहाँ से एंट्री लेंगे, ये है मेन गेट जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। इस यहाँ पे टिकट काउंटर है इस तरह का बना हुआ है, तो पहले आपको यहाँ पे टिकट लेना होगा, उसके बाद ही आप जो राजबाड़ी के अंदर जा सकते हैं। इस तरह का टिकट मिलेगा आपको, कंप्यूटराइज टिकट, देखिए 25 रुपीज़ है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आया हूँ राजबाड़ी कुचबिहार। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राजमहल है, तो आज मैं इसी का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस, आइए चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये है कुचबिहार पैलेस और आम लोग इसे राजबाड़ी बोलते हैं, और राजबाड़ी का बंगाली में मतलब होता है कि राजा का महल। तो गाइस, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कुचबिहार के राजा थे नरेंद्र नारायण, उनके दो बेटे थे नृपेंद्र नारायण और जतेंद्र नारायण। तो उन्होंने 1841 से लेकर 1863 तक राज किया। नरेंद्र नारायण के मौत के बाद उनके दो लड़के थे, उनमें से जो बड़ा लड़का था उनका नृपेंद्र नारायण, उन्होंने ही गद्दी संभाला बहुत कम उम्र में, और 1887 यानी 1887 में उन्होंने कुचबिहार पैलेस का निर्माण किया था। इसका डिज़ाइन देखिए दोस्तों, पूरा इटालियन टाइप से बना हुआ है, देखिए। और ये टोटल पैलेस 51,000 स्क्वायर फीट में बना है। इसकी लंबाई 390 फीट है और चौड़ाई 296 फीट है, और इसकी टोटल ऊंचाई 125 फीट है, और टोटल इसमें 50 रूम है दोस्तों। मैं राजबाड़ी में हूँ कुचबिहार में, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो राजमहल है, बहुत ही सुंदर जगह है। जब भी आप लोग कुचबिहार आएंगे, तो कुचबिहार जब भी आएंगे तो ये राजबाड़ी जरूर आइएगा। यहाँ हज़ारों संख्या में लोग जो है डेली घूमने आते हैं, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है। अगर आप बस स्टैंड में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि राजबाड़ी पहुंच चुके हैं। गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंदर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो गाइस, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कुछ कुछ फ़ोटो या कुछ कुछ वीडियो में बना सकूँ। तो गाइस, चलते हैं अंदर में।
गाइस आज का ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। सो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।